हेलो फ्रेंड, मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष चंद्रा, आज का टॉपिक है एक DTH फ्री डिश रिसीवर को कैसे रिपेयर करते हैं और इस रिसीवर में क्या प्रॉब्लम है उसको आपको हम जानकारी देंगे। यह कार्बन कंपनी का है। यह एक कार्बन कंपनी का एक DTH फ्री डिश का रिसीवर है, जो कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस रिसीवर में वीक सिग्नल दिखा रहा है और वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है। इसका पावर सप्लाई ओके है। मेन प्रॉब्लम इसका DTH कार्ड में प्रॉब्लम है, जिसके कारण वीक सिग्नल या नो सिग्नल का प्रॉब्लम दिखाता है। मैं इस रिसीवर को एक बार चालू करके दिखा देता हूँ मेन सप्लाई लगाकर। यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया, फिर इसको ऑन करके देखता हूँ। अब इसको ऑन करके देखता हूँ। ये हमारा ऑन होके इसका पावर सप्लाई ओके है, इसलिए ऑन हो जा रहा है। आप इसके अंदर के पार्ट को देखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे, तो उसके लिए इसमें जितने स्क्रू लगे हैं उसको अनस्क्रू के लिए एक स्क्रू ड्राइवर से इसमें खोलेंगे। उसके बाद चेक करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें तो अभी बिग सिग्नल और नो सिग्नल का प्रॉब्लम है। इसमें टोटल 8 स्क्रू लगे थे। अब यह सेटअप बॉक्स खुल गया है। ये हमारा पावर सप्लाई है और ये ऑडियो के लिए एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर IC है। और ये हमारा DTH का कार्ड है और ये हमारा LNB का इनपुट पॉइंट है, जो जहाँ से सिग्नल मिलता है वो हमारा ये टूट चुका है। इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये ओके है, इसका ये वायर टूट गया है जहाँ यहाँ से सोल्डरिंग था यहाँ पास। इसके कारण बिग सिग्नल या नो सिग्नल का प्रॉब्लम दिखा रहा है और ये पावर सप्लाई ओके है। और ये हमारा ऑडियो IC है, जो एम्पलीफायर IC बोलते हैं। और ये हमारे पास डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगा है स्विच के साथ, जो यहाँ पास ऑडियो एम्पलीफायर IC लगा है वो 6283 IC लगा है, जो इसमें मेंशन है, इसमें लिखा है। और इसमें शायद यहाँ पास स्पीकर में कनेक्ट है। यह स्पीकर का पॉइंट है। इसमें प्रॉब्लम पता चल गया है कि जो LNB इनपुट है उसका कनेक्टर खराब हो चुका है। इसके कारण यह बिग सिग्नल या नो सिग्नल शो कर रहा है TV पर। और इसका पावर सप्लाई ओके है और किसी मैकेनिक भाई ने इसको वायर को अलग से बांध रखा है कि टूट के ना गिरे करके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। अगर मेरे DTH सप्लाई या रिपेयर के लिए रिपेयर का और वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर लूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पता चले। धन्यवाद।